So, hi guys and welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really, really great. So, guys, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे advantages of becoming a cabin crew. अगर चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मानसी यादव. I'm a cabin crew for last 3 years. So, guys, शुरू करते हैं आज की वीडियो क्योंकि देखो हमने disadvantage जान लिए. अगर किसी ने disadvantage वाली वीडियो देखी तो वो जाके definitely देख सकते हो. और हम आ चुके हैं advantages के ऊपर because disadvantage जान लिए, advantage भी तो जाना important है ना. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में. So guys, the first thing which is very, very, very exciting, क्योंकि advantages, guys, अगर आप इस job को join करने वाले हो तो please advantages भी जानना सारे के सारे, because आपको वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए. ये तो भाई बहुत interesting है ना, तो जानना जरूरी है. Okay, now first thing that is salary. So guys, salary is amazing after 12th, you know, salary बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है because as a cabin crew, like for example, salary goes to like 40-50,000 से लेके almost 1 lakh to 2 lakh, और अप्रोक्स आपकी सैलरी बढ़ जाती है डेफिनेटली when you know आपकी पोस्ट इंक्रीज होती रहती है, और डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हो. ठीक है, सो इस बेसिस पे आपकी सैलरी तो यार आफ्टर 12 दिस इज लाइक वाओ है ना, अमेजिंग राइट. तो सैलरी के बेसिस पे इट्स गुड टू गो. नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवांटेज के साथ, दैट इज योर You travel world and that is amazing. And after 12th आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, आप वर्ल्ड ट्रैवल करें. भाई किसकी इच्छा नहीं होती, आप मुझे बताओ, किसका मन नहीं करता कि हम पूरा देश पूरा वर्ल्ड घूमें, किसका मन नहीं करता, सबका मन करता है ना. एंड नॉर्मली माई फ्रेंड्स आर लाइक स्नैप डाल के, स्टोरी डाल के इंस्टाग्राम पे चिढ़ाया मत कर हम लोग. ठीक है, सो एक तो यार जो आपके जो यू नो पीपल हु आप एक्चुअली लोगों को चिढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस जॉब इज फॉर यू. मतलब एक्चुअली आप पिक्चर्स डाल के लोगों को एकदम चिढ़ा सकते हो. दैट इज वन थिंग विच आई रियली लाइक. ठीक है, सो मजाक कर रही हूँ बट स्टिल यार द पीपल हु एक्चुअली वॉन्टेड यू कैन डू दिस जॉब. ओके, अगर हम जाए नेक्स्ट चीज के ऊपर, डेफिनेटली दैट इज वे यू कैन स्टे इन 5 to 4 star होटल्स. एंड आपको नॉर्मली 4 star से नीचे तो बिल्कुल मिलता नहीं है होटल. ऑलमोस्ट 5 star होटल्स आप लोग को मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं फॉर द कैबिन क्रू. सो डेफिनेटली आपका स्टाइल, यू स्टे इन 5 star होटल्स एंड यू एक्सप्लोर अ डिफरेंट लाइफस्टाइल प्रॉपरली बहुत अच्छा हो जाता है. ओके, नाउ इफ यू गो ऑन अ lifestyle के बारे में बात करी तो डेफिनेटली आपको फैंसी lifestyle हो जाता है कि when you travel a world, you have a good salary, when you're staying in a hotel, तो definitely की personality यार all together, it gets very different, very very different, I'll tell you. Not only for me, मैं अपनी बताऊँ तो definitely मेरी personality भी बहुत सारा difference हो गई because almost it's been 3.5 years for me being a cabin crew, और बहुत ज़्यादा difference है definitely and it's amazing, ठीक है? तो फैंसी lifestyle definitely आप लोगों को हो जाता है, आपकी lifestyle properly change हो जाएगी, आप हर एक चीज़ change हो जाती है. और अगर मैं जाऊं गाइस, अगर मैं जाऊं नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज द नेक्स्ट एडवांटेज, दैट विल बी योर कल्चर. आप बहुत ही डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करते हो पूरे वर्ल्ड में. कल्चर डिफरेंस होता है बिकॉज आप हर एक डिफरेंट स्टेट में ट्रैवल, दुनिया से इतने सारे लोग आते हैं आप लोग की फ्लाइट में, हर एक इंसान से यू नो आप मिलते हो. फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली फॉर द पैसेंजर बट डेफिनेट फॉर ए क्रू मेंबर एज वेल. आपके जो क्रू मेंबर आपके कलीग जो होते हैं आपके, मैं खुद बताती हूँ, मैं आई यूज टू ट्रैवल विद यू नो लॉट ऑफ पीपल, लाइक जो मेरे डिफरेंट कलीग्स होते हैं, दे माइट भी कोई साउथ से होता है, कोई फ्रॉम नॉर्थ साइड से होता है, कोई नॉर्थ ईस्ट साइड से होता है. सो डेफिनेटली उनका कल्चर मैं सुनती हूँ ना कभी कभी, ओ आपके वहां पे ऐसा होता है, ओ वाओ, मतलब डिफरेंट पीपल एक्सचेंज देयर थॉट्स. एंड मैं खुद बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द क्रू मेंबर, शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड शी वाज टेलिंग वन ऑफ द फेस्टिवल जो उनके वहां पर होता है, एंड शी इज टेलिंग मी कि ना ये चीजें होती है, ये सारी चीजें होती हैं, एंड कह रही वो बहुत ही ज्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट. I don't remember that much, but I was like, yes, I'm gonna go for that thing definitely. So she was telling me about that thing. So you know, आप definitely सोच सकते हो कि आप हर एक चीज, हर एक इंसान से आप interact करते हो, बातचीत होती है, और फिर इसके बाद आप explore करते हो different चीजों को. This is one of the advantage of being a cabin crew. और अगर हम जाएं next advantage के ऊपर, दो होगी guys, definitely आपके अंदर confidence बहुत ज्यादा आ जाता है. बिकॉज आप हर एक डिफरेंट कलीग से मिल रहे हो, हर दिन आप डिफरेंट पैसेंजर फ्लाई कर रहे हो, व्हेन यू टॉक टू समबडी है ना, सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. और आप डिफरेंट एज ग्रुप से बात करते हो, नॉट ओनली अ पर्सन हु इज यू नो ऑफ योर एज, बट डेफिनेटली आपसे बड़ी एज के आप लोगों से बात कर रहे हो, आप छोटे बच्चों से बात कर रहे हो है ना. तो एवरी डिफरेंट डिफरेंट एज इज देयर एंड यू टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम. सो इट वन ऑफ द थिंग जो हर टाइम इंक्रीज होती रहती है. एंड इन दिस इंडस्ट्री यू लर्न एवरी सिंगल डे, नॉट आई एम टेलिंग यू, मैं आज 3.5 साल हो चुके हैं, आई एम लर्निंग दिस डे एज वेल, टुडे इज माई फ्लाइट एंड एवरी लर्निंग सम न्यू थिंग. डेफिनेटली आज भी मैं कुछ सीखूंगी किसी और पर्सन से.
So this is the one thing I want to tell you, okay? And the most important advantage is this, because ye cheez aap logo ko sabse zyada pasand hai, and I think this is one of the mere ko bhi sabse zyada pasand hai definitely, and this is staff travel. So guys, इस चीज के बाद सोच रहे हो कब आओगे, कब बताओगे ये एडवांटेज, ठीक है? तो मैं आ चुकी इस एडवांटेज के ऊपर. तो ये है स्टाफ ट्रैवल. सो गाइस, व्हेन यू वर्क फॉर एनी ऑफ द एयरलाइंस, तो आपको एयरलाइंस जो होती है आपको ये अपॉर्चुनिटीज देती है, एंड गिव यू एन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ क्रू. दे विल गिव यू स्टाफ ट्रैवल एज वेल. दैट मीन्स कि एज अ क्रू मेंबर आपके फैमिली मेंबर्स, द पीपल हु आर इन योर ब्लड रिलेशन, वो लोग आपके साथ फ्री ट्रैवल कर सकते हैं डेफिनेटली. आप एक ये पॉइंट भी हो सकता है डेफिनेटली, कुछ कुछ एयरलाइंस में ऐसा भी होता है गाइस कि वो लोग कुछ लिमिटेड टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट वो लिमिटेड होती है, ठीक है? और माइट भी वो आपके लिए होती है, या एक दो टिकट्स वो फ्री देते हैं, ऐसा होता है कुछ कुछ एयरलाइंस में. कुछ एयरलाइंस में ऐसा होता है कि आपको टिकट्स आपके फैमिली मेंबर्स को फ्री मिलती है डेफिनेटली, बट वो कुछ टैक्सेस आपसे लेंगे, ठीक है? और वो अनलिमिटेड टिकट्स होती है, वो ऐसा होता है, ठीक है? दीज आर द टू टाइप्स जो ऐसा हो सकता है डिफरेंट एयरलाइंस के अंदर, ठीक है? डेफिनेटली बट आपको स्टाफ ट्रैवल मिलता है और आपके फैमिली मेंबर स्पेशली खुश हो जाते हैं कि वाओ यार, मतलब अच्छा लगता है, यू नो, इज बीइंग रियली नाइस एंड दे फील गुड फॉर दैट. जाए नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज योर ट्रेनिंग. सो गाइज, वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई टेल यू, ट्रेनिंग इज फॉर 3 months होती है, ऑलमोस्ट 2 or 3 months, डिपेंड एयरलाइंस टू एयरलाइंस डेफिनेटली. बट उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें याद करते हो, बहुत सारी चीज सीखते हो, एंड यू कैन यूज इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट एड ट्रेन हो जाते हो, एंड इमरजेंसी के बारे में सारी चीजें सीखते हो, योर सेफ्टी के बारे में सारी चीजें सीखते हो, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विल टेल यू, एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है. और पर्सनली मेरे को ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली मेरी पर्सनैलिटी में भी काफी चीजें चेंज हुई है, नॉट ओनली एज अ क्रू मेंबर बट एज अ पर्सनल लाइफ. एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अगर मैंने कभी कैबिन क्रू जॉब छोड़ी, तो डेफिनेटली आई वुड, मैं उन चीजों को डेफिनेटली अपनी लाइफ में भी इंकरेज करना चाहूंगी और सीखना चाहूंगी उससे ज्यादा, और हमेशा अपनी लाइफ में उन चीजों को रखूंगी. नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कुछ लोग के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, बट मेरे लिए एडवांटेज है, दैट इज नो फिक्स टाइमिंग. आई एंजॉय दैट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होता है कि 9 to 6 ही होना चाहिए उससे आगे मेरे को, बट कुछ लोग ना उस चीजों से टायर्ड होके देन दे ज्वाइन अ कैबिन क्रू लाइफ. आई हैव सीन अ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एमबीए एज वेल, एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एमबीए, एंड देन दे आर ज्वाइनिंग अ कैबिन क्रू. आई वाज लाइक, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अ कैबिन क्रू? देन देख यार, मैं फिक्स टाइमिंग कर करके ना मेरा दिमाग ना फट गया था. एक्चुअली मेरे को ऐसा हो गया था कि आई डोंट वांट टू डू फिक्स टाइमिंग. मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, फिर आके मैंने ये ज्वाइन किया. बोला ओके, कह रही मैं थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा ज्वाइन करूंगी. ओके, यू मैंने रिलैक्स करने के लिए आए. तो इट वॉज लाइक दैट, एंड वन ऑफ माई कलीग वॉज, शी वॉज जस्ट शेयरिंग दिस विद मी. सो मैंने बोला ओ अच्छा, मतलब अगर मैं ज्वाइन करती 9 to 6 जॉब, तो मैं भी ऐसे कुछ होती और मैं भी आती. सो गाइस, पीपल डू नॉट वॉन्ट ज्वाइन दिस 9 to 6 वाला जॉब, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग, मेन थिंग, कि कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है. आप एंजॉय करो यार अपनी लाइफ. मैं खुद को बता दूं कि आज मैं मॉर्निंग से लेकर फ्री थी, मैं आज मेरी रात की फ्लाइट है और मैं सुबह लैंड करूंगी और फिर सुबह आके मैं सोऊंगी. सो यो, नो फिक्स टाइमिंग, एंड आई लव दैट, ठीक है? सो फिक्स टाइमिंग में वो चीजें बोर हो जाती है, एंड मेरे लिए डिसएडवांटेज नहीं है, मेरे लिए एडवांटेज है, एंड आई लव दैट एक्चुअली. सो गाइज, दिस वॉज ऑल द एडवांटेजेस फॉर बींग अ कैबिन क्रू, एंड एक्चुअली यू ट्रैवल अ वर्ल्ड, यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज अमेजिंग. स्पेशली टेल यू most important advantage, that is market for the girls, because mere liye sabse badi advantage hai market, kyunki guys dekho main batati hu, normally aap yahan ki aas pass market explore karoge. When I used to be in college, I used to explore for Karol Bagh ki market, that's it, Karol Bagh, Lajpat Nagar, ye sai market mein, Kamla Nagar, ye sai market jaati thi, theek hai? Now as a cabin crew, I see Hong Kong ki market, Dubai, हांगकॉन्ग की मार्केट, मलेशिया की, बैंकॉक की, हर एक जगह की, दुबई की, शारजा में, हर जगह, हर एक मार्केट जाती हूँ मैं, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस, क्योंकि लड़की, बात ना सिर्फ लड़कियों को समझ में आएगी, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट योर शॉपिंग. सो गाइज, अब स्पेशली हम लोग इतने ज्यादा क्रेजी होते हैं, हम लोग ना, हम फ्लाइट करके आते हैं, नॉर्मली हम थक जाते हैं, बट वेन वी लैंड इन इंटरनेशनल कहीं डेस्टिनेशन में जाते हैं, वी आर सो एक्साइटेड, बिकॉज एक्साइटेड होते हैं स्पेशली शॉपिंग के लिए. भाई सबसे पहले जगह ढूंढते हैं, शॉपिंग बताओ, उसके बाद ढूंढेंगे जहां घूमने, घूमेंगे बाद में, पहले शॉपिंग करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड. एंड गाइस, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, द पीपल हु आर वेरी एक्साइटेड फॉर द शॉपिंग, तो जरूर बताना, बिकॉज आई यूज टू बी, एंड इवन आई एम टूडे, आई एम वेरी एक्साइटेड. सो आई होप आपको ये सारे एडवांटेजेस पसंद आए होंगे डेफिनेटली, जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, और
सी इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली. ठीक है, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो. आई लव यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.